इसके लिए लोगों को खुशी हो, हम लोगों ने जो नई स्कीम बनाई, आप सबको मालूम है जन्म से लेकर के और ग्रेजुएशन तक पढ़ ले महिलाएं 54,100 रुपये के प्रोत्साहन राशि, कन्या जन्म ले 2,000 रुपया, आधार से पंजीयन कर ले 1,000 रुपया, 2 महीने के अंदर संपूर्ण टीकाकरण कर ले 2,000 रुपया, पोशाक योजना जो हम लोगों ने शुरू किया बढ़ा दिया, पहला दूसरा के लिए 400 से बढ़ा के 600, तीसरा पांचवा क्लास तक के लिए 500 से बढ़ा के 700, छठा अट्ठा के लिए पोशाक की राशि 700 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपया और 9वें 12वें के लिए पोशाक की राशि 1,000 रुपये से बढ़ा के 1,500 रुपया। सैनिटरी नैपकिन हम लोगों ने शुरू किया था 150 रुपये का प्रावधान, अब उसका कर दिया 300 रुपये का प्रावधान। और कोई भी लड़की इंटर पास करती है अविवाहित 10,000 रुपया, और अगर ग्रेजुएट हो जाएगी अब वो विवाहित भी रहे अविवाहित रहे दोनों स्थिति 25,000 रुपया। तो किस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए काम हो रहा, वही तबकों से हर प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय सब के लिए जो हम लोगों ने पहल की है आप सबको मालूम है, हर के उत्थान के लिए काम किया। अभी जो शुरू किया मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, हर एक पंचायत में 5 वाहन में 50% मदद कर रहे हैं 1,00,000 रुपये तक, और उसमें 3 अनुसूचित जाति जनजाति को और 2 अति पिछड़े वर्ग को। अब तक 41,930 के विरुद्ध 27,005 लाभुकों को अनुदान मिल गया है, लोगों ने ले लिया। और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में तो पता है बिहार लोक सेवा आयोग वाला में करना है, पहला परीक्षा पास किया है प्राइमरी तो 50,000, और संघ लोक सेवा आयोग में प्राइमरी परीक्षा पास करेगा तो 1,00,000 रुपया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग, और अति पिछड़े वर्ग में सभी समुदाय के लोग हैं, सिर्फ हिंदू ही नहीं है मुस्लिम भी हैं, अति पिछड़े वर्ग में सबको इसका फायदा।